हम बात करते हैं अब इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल इस विषय का, जो कि कक्षा 7वीं का यहाँ पर प्रश्न पत्र दिखाई दे पड़ रहा है। तो माध्यम हिंदी होने की वजह से जनरल जिन स्कूलों में माध्यम हिंदी मराठी अलग अलग माध्यम होते हैं, वहाँ पर हिंदी और मराठी माध्यम में इतिहास भूगोल का पेपर जो होता है सिर्फ ट्रांसलेशन का हिस्सा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पहला दिया हुआ है कि नीचे जो प्रवाहित तालिका दी गई उसको पूर्ण करना है। सैनिक की व्यवस्था दी गई है और वहाँ पर कुछ रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में यदि आप उचित शब्द लिखते हो तो आपको पूर्ण में से पूर्ण अंक प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद नीचे का प्रश्न है, एक शब्द में लिखो, यानी आप सही उत्तर लिखते हैं तो एक शब्द में, यानी एक शब्द जो है वो आपके लिए एक अंक का हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उस सही शब्द का चुनाव करना होगा या याद करके लिखना होगा। बालाजी मूलतः कोंकण के इस गांव का था। दूसरा प्रश्न है, बुंदेलखंड में इसका राज्य था। बाजीराव की मृत्यु इस स्थान पर हुई और इसने पुर्तगालियों को हराया। इस प्रकार से चार प्रश्न के उत्तर यदि चार शब्दों में आप दे देते हैं तो आपको चार अंक बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जो भी उसके कारण है वो आपको बताने हैं। मराठाशाही में दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। आजम शाह ने छत्रपति शाहू महाराज को मुक्त किया और दिल्ली शासक को मराठी की सहायता की आवश्यकता अनुभव हुई। तो 6 अंक के लिए आपको यहाँ पर 3 कारण लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, 8 विभागों का मंडल क्या कहलाता है। बहिर्जी नाइक इस खाते का प्रमुख था। शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित मालवन के समीप जल दुर्ग का नाम क्या था। न्याय कौन करता था। भूराज्य, भू स्वराज्य, भू राजस्व की व्यवस्था देखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। और अगले पन्ने पर है, किले में युद्ध की व्यवस्था देखने वाले अधिकारी का नाम। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो है वो 6 प्रश्न दिए हुए हैं और 6 प्रश्न का एक एक शब्द में आप उत्तर लिखते हो तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर प्रश्न तीसरा दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अधिकार हनन के संबंध में हमारी शिकायत पर रिक्त स्थान विचार करता है। दूसरा है, सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले विद्यालयों में रिक्त स्थान शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको एक एक शब्द डालना है। उसके बाद प्रश्न 12, उसमें निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो। स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उस संकल्पना चित्र को आपको पूर्ण करना है। उचित शब्द का आप चयन करते हैं और लिखते हैं तो आपको पूर्ण में से पूर्ण अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 रिक्त स्थान है और 3 अंक है। उसके बाद तीसरा क आ रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। और 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों का खतरनाक स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। इस प्रकार से 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको 5 अंक यहाँ पर दिए हुए हैं और जितनी स्पेस अवेलेबल उतनी स्पेस में आंसर लिखते हैं आप, और सही शब्दों का सुंदर हस्ताक्षर में लिखते हैं तो आपको 5 अंक निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद सत्य या असत्य लिखे, पश्चिम यूरोपीय जलवायु वाले, पश्चिम यूरोपीय जलवायु वाले प्रदेश में लोग सौम्य एवं गर्म जलवायु के कारण उत्साही नहीं होते। शब्दों को समझकर, अर्थ समझकर आपको सही या गलत, यानी यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया सत्य या असत्य शब्द को आपको लिखना है। प्रेरित प्रदेश को विश्व का गेहूं का भंडार कहा जाता है, सत्य या असत्य में आपको उत्तर लिखना है। बाघ, सिंह जैसे मांसाहारी प्राणी विषवृत वृत्तीय प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं, इसका उत्तर सही या गलत के तौर पर आपको लिखना है, सत्य या असत्य के रूप में। उसके बाद एक तालिका दी गई है, आपको उसको पूर्ण करना है। इसके घटक दिए हुए आपको, मूल चट्टान, प्रादेशिक जलवायु, जैविक खाद, सूक्ष्म जीवाणु और मृदा निर्मिति में भूमिका जो होती है वो, उनके नाम वहाँ पर आपको लिखने, वो तालिका पूर्ण करनी है, 4 अंक के लिए है। उसके बाद जानकारी आपको लिखना है। प्रश्न 4था आपको दिया है, मृदा संवर्धन के उपाय। इसके बाद 5वां प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। उत्तरी गोलार्ध में ऋतु का निर्माण किस कारण होता है। संपात स्थिति में पृथ्वी पर दिनमान कैसा होता है। और तीसरा दिया, कृषि के लिए जल सिंचाई का महत्व स्पष्ट करें। और सबसे आखिरी में प्रश्न दिया हुआ है, 5वें का वह कृषि के प्रमुख प्रकार बताइए। तो इस प्रकार से यदि आप प्रश्न पत्रिका, ये पिछले वर्ष का जो आप दिखाई देख रहे हैं यहाँ पर, यह एक नमूने के तौर पर आपको दिया गया, इसी से मिलता जुलता तकरीबन होता है। शायद प्रश्न का रूप स्वरूप कुछ और भी आए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसी प्रकार से यदि इस पर आधारित यदि पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो भी है वो अधिक से अधिक सफल हो पाएंगे।